लोकसभा चुनाव आज लोकसभा चुनाव 2024 के परिप्रेक्ष्य में आजमगढ़ और लालगंज लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किया है और जिस प्रकार का माहौल है, वातावरण है, जो जीरो नीचे से रिपोर्ट आ रही है, पूरा देश मोदी में है, राम में है। और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है अब की बार 400 पार का, उत्तर प्रदेश की महान जनता और आजमगढ़ और लालगंज की महान जनता उसे निश्चित रूप से पूरा करे। भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता आधारित राजनीतिक दल है। हम एक विचारधारा से जुड़ के बहुत बड़ी संख्या में लोग इस राजनीतिक दल को ताकत के रूप में स्थापित करते हैं। राजनीतिक क्षेत्र में परिणाम पॉजिटिव और निगेटिव दोनों आते हैं। हम लोग लगातार सारे विषयों पर अपनी समीक्षा करते हैं, जो जो कारण चुनावों में जो अनुभव आते हैं उन अनुभवों को शेयर करते हैं। जहां परिणाम अनुकूल आए हैं उनकी भी हमने समीक्षा की है, जहां परिणाम प्रतिकूल आए तो पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव में हम उत्तर प्रदेश की 16 सीटें नहीं जीत पाए थे, लालगंज और आजमगढ़, लेकिन बाद में उपचुनाव में हम लोगों ने पूरी तैयारी के साथ हम लड़े और आजमगढ़ की रामपुर की महान जनता ने बाई इलेक्शन में हमें आशीर्वाद दिया। और हमारा जो कमिटमेंट है, संकल्प है, हमारा जो एजेंडा है, हम उस एजेंडे के आधार पर हमारी सरकार का, मोदी जी के नेतृत्व में 10 साल चलने वाली सरकार का जो भी रिपोर्ट कार्ड है, हमारा लेखा जोखा और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार 2017 में बनी है, उसके बाद 7 वर्षों का जो भी काम हमने किया, उन कामों को लेकर हम पूरे देश में, प्रदेश में, जनता के बीच में, हमारा एक कार्यकर्ता घर घर जा रहे हैं और मोदी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने जो काम किए हैं महान जनता को बता। समाज विपक्षी दलों की जो गतिविधि है आप पहले चरण से उत्तर प्रदेश में देखेंगे, मुझे देश की जानकारी नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो कोई गतिविधि कांग्रेस पार्टी की, समाजवादी पार्टी की, बहुजन समाज पार्टी की उत्तर प्रदेश में नहीं दिखी। भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने एजेंडे को लेकर सक्रिय रहे, तो इस प्रश्न का जवाब विपक्षी दलों को देना चाहिए कि उन्होंने कितने लोगों से संपर्क करके मतदान करने का आग्रह किया, उनकी क्या उपस्थिति रही है, उनके कितने सार्वजनिक कार्यक्रम हुए हैं, कितने उनके रोड शो हुए हैं, कितने लोगों से उन्होंने संपर्क किया। तो विपक्ष की जो अनुपस्थिति है उसके कारण मतदान कम हुआ। अब ये तो मुझे ऐसा लगता है कि समाज को, उन सब लोगों को इस विषय में विचार करना चाहिए कि इतना बड़ा समूह, समाज का नेतृत्व करने वाला समूह, केवल एक परिवार के लोग ही नेतृत्व कर सकते हैं, तो विचार उन्हें करना चाहिए। बाकी लोग और योग्य हैं या नहीं है, वो लड़ सकते हैं या न लड़ सकते हैं, तो जवाब इसका मंथन समाज के लोगों को करना चाहिए। जीत की गारंटी यही है कि आजमगढ़ की जनता ने देखा है कि हम लोग 19 में हारे थे तो भी आजमगढ़ रह के काम कर रहे थे, हम लोग 22 में जीते तो भी आजमगढ़ रह के काम किए, बस यही गारंटी है कि जीतने के बाद भी हम आजमगढ़ रहते हैं, हारने के बाद भी आजमगढ़ रहते हैं, ये जनता को पता है। और जनता जानती है कि जब मोदी जी की सरकार बन रही है तो सरकार के साथ ही आजमगढ़ जाएगा, और जैसे 1.5 सालों में विकास की गंगा बही है आजमगढ़ में, इसको रुकने नहीं देंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे, इसीलिए फिर से यहाँ पे कमल खिलाएंगे। समाजवादी पार्टी कह रही है जमाली हमारे साथ है, कोई टेंशन नहीं, सिर्फ जमाली है पर बसपा नहीं है। अगर वो एक गलत फहमी में जी रहे हैं तो बहुत उनको मुबारक है कि उनके साथ सिर्फ जमाली हैं, बहुजन समाज पार्टी थोड़े चली गई, लेकिन हमारे साथ तो प्रकाश राजभर जी भी आए और उनकी पूरी पार्टी आ गई, तो जीतने के लिए हम लोग काफी हैं। उनका जो है वो तो मैदान से ही बाहर है, वो लड़ाई से ही बाहर है, अगर थोड़ा टक्कर देंगी तो वो जो बसपा के प्रत्याशी हैं, महिला भी हैं और मुस्लिम समाज से भी हैं, तो टक्कर उन्हीं से है, बाकी ये तो मैदान से बाहर है।
ये बिल्कुल बाहर है। उसका कारण ये है, आप लोग मिलिएगा तो पूछिएगा कि 22 में चुनाव लड़ने के बाद कई दिन आजमगढ़ रहे, तो जवाब मिलेगा कि एक भी दिन। पूछिएगा कि आजमगढ़ के लिए क्या किया है, तो जवाब मिलेगा कुछ भी नहीं। तो जो आदमी यहाँ आजमगढ़ आता ही नहीं है, आजमगढ़ को देखता ही नहीं है, तो आजमगढ़ उसको कैसे अपनाएगी? तो आवास ले लिया, वो आवास खाली रहेगा, उसमें ताला बंद रहेगा, जैसे उनके कार्यालय में ताला बंद रहता है। हम लोगों का कार्यालय 12 महीने चलता है, चाहे हम जीते चाहे हारे, हम यहाँ रह के काम करते हैं। वो सिर्फ चुनाव में यहाँ कार्यालय खोलते हैं, बाकी समय कार्यालय में ताला लटका रहता है। तो सभी यादव यही कह रहे हैं कि आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव हारेंगे, कन्नौज से अखिलेश यादव हारेंगे, तो इनको देश में और यादव दिखने लगेंगे। जब तक ये हारेंगे नहीं तब तक इनको देश में यादव दिखेंगे। तो ये यादव लोग भी कह रहे हैं, मैं तो जा रहा हूँ जनता के बीच में, तो इस बार बुरी तरह से ये दोनों लोग हार रहे हैं। कितना समर्थन मिल रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है। जिन गांवों में पहले सिर्फ समाजवादी पार्टी के लोग थे, वहाँ आधा लोग हमारे साथ आ गए हैं, वो कार्यक्रम करा रहे हैं, वो मिल रहे हैं, चाहे वो पूर्व प्रधान हैं और बाकी लोग हैं, तो काफी अच्छा समर्थन मिल रहा है यादवों का, और इसके लिए मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। नेक्स्ट टर्म में आपका क्या प्लान है, क्या क्या करना है? मुझे सबसे पहले तो यहाँ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनवाना है, उसके बाद महायोजना लागू हो गई है, महायोजना के लिए हम लोगों ने बहुत प्रयास किया था। अब महायोजना लागू होने के बाद आजमगढ़ का जो विकास है वो आप देखेंगे कि जैसे गोरखपुर का है, जैसे बनारस का है, उस तर्ज पे यहाँ पे विकास होगा। देश को लेके चलना है, हम लोग उसी के तहत कार्य कर रहे हैं, ना ही कोई धर्म, ना कोई जाति, ना किसी का भेदभाव, सारे लोग अपने हैं, सबके साथ मिलके कार्य करना है। अब ये कहने के सिवा उनके पास कोई चारा नहीं है। आजा और तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, खबर और विज्ञापन के लिए संपर्क करें।